बेंगलुरु के पैलेस गुठल्ली इलाके में वक्फ घोटाला। वक्फ आमदनी में हेरा फेरी का इल्जाम। पैलेस गुठल्ली की जामिया मस्जिद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जब्त करने का हुक्म जारी। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने की वजह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जब्त करने का सीज करने का ऑर्डर जारी हुआ है। पैलेस गुठल्ली जामिया मस्जिद कमेटी के साबिक अरकान सैयद फयाज मोहम्मद अजमल पाशा मोहम्मद इस्माइल अशफाक अहमद और इदारे के मौजूदा वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर सवालात के घेरे में। जी हां दोस्तों, पैलेस गुठल्ली जामिया मस्जिद कमेटी के साबिक अरकान सैयद फयाज मोहम्मद अजमल पाशा मोहम्मद इस्माइल अशफाक अहमद और इदारे के मौजूदा वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर सवालात के घेरे में। इस संगीन मसले पर बेंगलोर में वक्फ प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल यानी 12 अक्टूबर बरोज हफ्ता हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैलेस गुठल्ली की जामिया मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात में पेश आए घोटाले हेरा फेरी बदनज़मी की तफसीलात फराहम की गई और ये बात कही गई कि साबिक अरकान सैयद फयाज मोहम्मद अजमल पाशा मोहम्मद इस्माइल अशफाक अहमद और इदारे के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही गफलत की वजह से जामिया मस्जिद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जब्त करने का हुक्म जारी हुआ है। साल 2019 सितंबर में कायम हुई कमेटी ने 2023 तक अपनी मियाद के दौरान इस इदारे को तरक्की के बजाय माली मसाइल में मुब्तिला कर दिया है, कर्ज में मुब्तिला कर दिया है। 2,87,334 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना बाकी है। बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट के साथ तकरीबन 5,00,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना बाकी है। इसके अलावा 3,27,437 रुपये वक्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस अदा करना बाकी है, जबकि इस इदारे को माहाना 2,00,000 रुपये के करीब आमदनी है। इसके बावजूद ये इदारा क्यों माली मसाइल से दोचार हुआ है, कर्ज में मुब्तिला हुआ है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। साल 2019 सितंबर में कमेटी कायम होने से कबल वजीफे याब के एस ऑफिसर एजाज अहमद इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर थे। एजाज अहमद की जानिब से पेश किए गए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक 5,38,315 रुपये बैंक खाते में जमा थे। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी ने कहा कि अब बैंक खाते में सिर्फ 2,000 रुपये से भी कम का बैलेंस बताया जा रहा है और अब तक यहां के हिसाब किताब का ऑडिट भी नहीं हुआ है। वाज़ह है कि इस कदीम मस्जिद के पीछे मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी को बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था। तवील जिदोजहद के बाद प्रॉपर्टी हासिल की गई थी, लेकिन इस वक्फ प्रॉपर्टी को भी डेवलप नहीं किया गया है। इस इदारे की एक और जमीन तकरीबन 9,000 स्क्वायर फीट है, इस प्रॉपर्टी को भी नजरअंदाज किया गया है और यहां नाजायज कब्जों का खतरा बढ़ चुका है। वक्फ प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर दस्तगीर खान, खाजिन इलियास अहमद, सेक्रेटरी अब्दुल बशीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अतीक ने मीडिया से खिताब करते हुए इस पूरे मामले की तफसीलात फराहम की और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सख्त गुस्से और बरहमी का इजहार किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है कि बेंगलुरु के अंदर एक खदीम, एक सेंचुरी से ज्यादा एक खदीम इदारा है, सुन्नी जामिया मस्जिद पैलेस गुठल्ली बेंगलुरु में। ये वक्फ में रजिस्टर हो गए सीरियल नंबर 128। ये मस्जिद जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जगह है इसकी और इसके साथ साथ जो है इसके एडिशनल अलाइड प्रॉपर्टीज हैं, दो हैं। एक प्रॉपर्टी का मेजरमेंट जो है 40/5 by 40/5 जिसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भर गए हैं और एक जो है मस्जिद कुल्लब का पीछे जो है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है 89/110 थे 85/78। ये जो है इसी जब ये 85/78 मस्जिद के पीछे की जमीन कमेटी वाले ऑक्यूपाई करते तो कॉर्पोरेशन वाले
और वहां के लोकल गैर कौम गैर कौम जो है इसे होने दिए नहीं। उस वक्त की लोकल कमेटी से उनके जद्दोजहद से उनकी मेहनत से उनके लोकल लीडरों को और दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन के एमएलए को सभी पकड़ को थी जो लिटिगेशन में थी उसके बजाय मेहनत करको जद्दोजहद करको इसे जो है ये मस्जिद के नाम पर खाता कॉरपोरेशन में बनाए। बनाने के बाद जो ये कमेटी का टर्म खत्म होगा बाद में एजाज साहब को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें। एजाज साहब भी जद्दोजहद करको उनकी मेहनत करको उन्होंने जो है ये जितने भी प्रॉपर्टी के थे उसका सही डॉक्यूमेंट बना को कमेटी वाले के हाथ में मोहल्ले वाले के हाथ में दिए। जब बाद में दूसरी कमेटी को जो है इलेक्शन होने के बाद जो है 2019 में जब आई 2019 में जब एजाज साहब इलेक्शन करा को उन्होंने निकले उस वक्त मस्जिद के बैंक अकाउंट में 5,30,006 रुपए थे। ये स्टेटमेंट है बैंक का स्टेटमेंट है 2019 में कमेटी आई। इसके बजाय वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के ये जो खाली साइट थी इसे डेवलप करने के बजाय जो पैसे बैंक बैलेंस में थे वो भी उन्होंने खर्चा करवा लिया। अच्छा। अब जो है उनका टर्म जो है 2020-23 में खत्म हुआ। उन्होंने चार्ज और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करे वक्फ बोर्ड वाले डायरेक्ट मैनेजमेंट में इजारा ले लिए। उस वक्त पुराने कमेटी वाले चार्ज दिए शिम्पो उस वक्त 1,300 रुपए बैंक में बैलेंस थे जबकि उनको दिए स्टैंप 5,30,006 रुपए बैंक में थे। और इसके साथ इनकी मस्जिद की इनकम वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इनकम और जमना था बजाय जो बैलेंस रखो गए थे ये घट गई है। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड जो है क्या भी एक्शन ले खामोश बैठे। सेकेंड पॉइंट अब इतना पैसा से भी जो मिसयूज कर ले को कॉरपोरेशन का रेवेन्यू टैक्स जो है वो बंद को नहीं है। वो बंद को नहीं रहने की वजह से उनको नोटिस देते देते वो प्रॉपर्टी को जो है सीज कर डाले और एक नोटिस देकर है अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन वाले देखो है ₹2,80,007,330 रुपए। जबकि फैसिलिटी थी डिस्काउंट के साथ तो इन बनना ना को खामोश बैठे। अब जो है आज के हालत पर ये पेनल्टी के साथ भरना पड़ता है जो लोग 2,80,007,000 के बजाय तकरीबन 5,00,000 रुपए चिल रहे थे इसका जिम्मेदार कौन। अब ये दौर में जो है बीच में बापू साहब को एक इनका टर्म 20-23 में खत्म होगा इन्हें क्या भी करेंगे ऐसा छोड़ डाले। इसके बाद जो है बापू साहब को जो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रोफ ऑफिसर थे उनको एज ए केयर टेकर उनको अपॉइंट करें। उन्होंने भी इसके बारे में क्या भी इसके बात की तरफ तवज्जा नहीं दिया इन्होंने। हालांकि जबकि इन्होंने वक्फ कंट्रीब्यूशन भी जो है देकर नहीं वक्फ को 4-5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए खुद इन्होंने एक्स एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट प्रोफ ऑफिसर होते हुए इन्होंने जो है वक्फ का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। वक्फ का कंट्रीब्यूशन तुम्हारा तकरीबन 2,00,000 रुपए होगा 3,50,000 रुपए 3,50,000 रुपए वक्फ का ये सभी पैलेस गुठल्ली की मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के हेड ऑफिस से तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये वक्फ बोर्ड के नाक के नीचे ये सभी हो रहा है। फिर भी वक्फ बोर्ड खामोशी इख्तियार कर ले पंखा मुझको बैठे। अगर ऐसा इदारे इनको छोड़ते रहे और लोग इसे मिसअप्रोप्रिएट करने को जाते रहे तो
औकाफ इदारे बस्ती का और रैया औकाफ इदारे की इनकम से कौम को क्या फायदा होता है, बजाय डेवलपर को कौम को फायदा करने के बजाय औकाफ इदारे को इन डुबा डाल रहे हैं। इसके वजह से आप जो है हमें एक सवाल वक्फ बोर्ड से करना चाहते हैं, ये तुम्हारे डायरेक्ट मैनेजमेंट में होते हुए तुम्हें इसके ऊपर की एक्शन लिए नहीं, जबकि तुम्हारा एक तजुर्बेकार केयर टेकर आदमी तुम्हें अपॉइंट करें, या इसे तुम्हें कंट्रीब्यूशन का उन्हें दिए नहीं कर खो रहा था, इसका क्या मतलब? तो इस सिलसिले में जो है हमें वक्फ बोर्ड से आप सवाल करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन, इसके जिम्मेदारी कौन लेती और इसका भरपाई कौन करती, ये एक सवाल का। इनमें एक चार लोग ऐसे हैं जो अपनी गैर तरीकों से, जिसमें फयाज, अजमल पाशा, मोहम्मद इस्माइल, अशफाक अहमद, ये हमने मोहल्ले के चंद लोगों से हमने ये मालूम ही बात थी, और हमारे वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये सवाल हो रहा है। जैसे हमारे इलिया साहब बोले, वक्फ बोर्ड के मातहत उनके एक रिटायर्ड ऑफिसर वहां रहते, पर कई ऐसे काम हो रहे हैं जबकि लीगली जो पुरानी कमेटी डिजॉल्व होती है उनको किसी को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें सुनने में आया, हम देख को आए जाको मालूम करे, पापू भी जो ही हफ्ते में एक बार वो भी जो पुरानी कमेटी का आदमी जाको लाको उनको बिठा को फिर ले लिया को छोड़ पाता है, वही लोग जो पहले थे उन्होंने वहां की देखभाली कर रही, जबकि उस इदारे की लगभग लगभग 2 लाख रुपए आमदनी माहाना, 1,30,000 रुपए कॉम्प्लेक्स की आमदनी, 30,000 रुपए रूमा की आमदनी, और इस तरीके से और दूसरे आमदनी मिला के 2 लाख रुपए हफ्तावारी जुम्मा का चंदा, 2 लाख से ज्यादा आमदनी हो रही है। ये ना होते हमें सुनने में आया, हमें कई लोग मुलाकात भी कर को ही कि लाखों रुपए देकर ही, इस तरीके से ये सब होने के बावजूद बैंक अकाउंट जब ये जीरो के बराबर है, 1,000 चिल्लर रुपए वो जीरो के हिसाब में आता, वो ये लोग इस तरीके से जब गैर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हमने बात हमें डायरेक्ट हम वक्फ बोर्ड से सवाल करना चाहते हैं कि इसके बारे में इसकी जिम्मेदार कौन ले रहे हैं, हमें इमीडिएट इसका आंसर होना, जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड वाले इसके ऊपर तहकीक करें और मालूम करें, अगर यह चीज वक्त पर नहीं काम हुई, हफ्ते के अंदर इस काम को पूरा नहीं तकमील पहुंचाई है, तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।